फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का टोनर, से मैं कॉटन पैड में लूँगी और अपने फेस को अच्छे से जो है क्लीन कर लूँगी। अभी फेस वॉश किया है थोड़ी देर पहले, 4-5 घंटे पहले, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना डर्ट है। तो इसलिए मेकअप अप्लाई करने से पहले बट टोनर जरूर कर लें टोनर। और मैंने टोनर के बारे में अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों नीड होती है टोनर को यूज़ करने के लिए, हम टोनर क्यों यूज़ करते हैं, कौन से ब्रांड का करना चाहिए, जो भी है मैंने इसके ऊपर भी रिव्यू दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर। टोनर के बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र और मैं ये लगा रही हूँ गुड वाइब्स का। मैं कोई सीसी क्रीम या बेबी क्रीम तो बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ अभी फिलहाल। अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी है और मेरी स्किन बहुत ड्राई भी है, तो इस वजह से मैं इसे अच्छे से जो है मॉइस्चराइज करूँगी अपने स्किन को। मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी। अगर आपको बहुत लाइट मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक आईब्रो भी फिल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का ब्राउन जेल आईलाइनर है ये, बट मैं इसे एज अ ब्रो फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छे से फिल कर लिया। अब मैं लगाने जा रही हूँ ये एनवाई बे का कंसीलर, इसे मैं ऐसा फुल फेस पे लगा लूँगी हल्का हल्का, बिल्कुल लाइट में, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही। आप चाहें तो बीबी क्रीम भी लगा सकते हो बट मैं बीबी क्रीम नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, और इसे स्पॉन्ज के हेल्प से पूरे अपने फेस पे लगा। लैक्मे का आइकॉनिक काजल है, आप अपने कोई भी पसंद की लिपस्टिक लगा लें। मैं ये वाला कलर लगा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर है। तो ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ आईलाइनर आईब्रो फिल किया, लिपस्टिक डार्क लगाया है जिससे कि थोड़ा सा मेकअप है जो थोड़ा सा अच्छा लगे, और बस थोड़ा सा मैंने जो एनवाई बे का कंसीलर है उसको मैंने हल्का सा जहाँ जहाँ पे डार्क सर्कल थे वहाँ पर लगाया बस, और कुछ नहीं लगाया। मॉइस्चराइजर लगाया, काजल लगाया, इनफ।
और कोई प्रोडक्ट मैंने नहीं लगाया, ये बहुत ही सिंपल, क्योंकि मैं सिर्फ मूवी देखने जा रही हूँ तो बहुत ही सिंपल लुक रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई मेरे को नहीं रखना था ये लुक इस वजह से। तो आई होप सो कि आपको ये लुक पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, उसका भी मैं ब्लॉग आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।